ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के पार्क जिनके रखरखाव का जिम्मा नगर परिषद सोलन का है, लेकिन ये पार्क रखरखाव और कम बजट के कारण बदहाली के आंसू रो रहा है। इन पार्कों में बच्चों के झूले ज्यादातर टूटे हुए हैं, यहाँ तक कि कुछ झूलों के तो अवशेष ही इन पार्कों में नजर आते हैं। लोगों के बैठने तक बेंच टूटी हालत में है। चिल्ड्रन पार्क जो कहने के लिए बच्चों का पार्क है, लेकिन इस पार्क का आकर्षण बच्चों का हाथी झूला और सवारी के लिए घोड़े और शेर की प्रतिमाएं भी खंडित पड़ी हुई हैं, जिन पर कई वर्षों से रंग रोगन भी नहीं करवाया गया है। यही कारण है कि सोलन शहर के पार्कों में जाकर सोलन की जनता और पर्यटकों को बेहद हताशा होती है। सोलन के पार्क जिनके रखरखाव का जिम्मा नगर परिषद सोलन का है, लेकिन ये पार्क रखरखाव और कम बजट के कारण बदहाली के आंसू रो रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के झूले ज्यादातर टूटे हुए पड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ झूलों के तो अवशेष ही इन पार्कों में नजर आते हैं। लोगों के बैठने तक बेंच टूटी हालत में है। चिल्ड्रन पार्क जो कहने के लिए बच्चों का पार्क है, लेकिन इस पार्क का आकर्षण बच्चों का हाथी झूला और सवारी के लिए घोड़े और शेर की प्रतिमाएं भी खंडित पड़ी हैं, जिन पर कई वर्षों से रंग रोगन भी नहीं करवाया गया। यही कारण है कि सोलन शहर के पार्कों में जाकर सोलन की जनता और पर्यटकों को बेहद हताशा होती है। लेकिन अब सोलन के पार्कों का जल्द ही जीर्णोद्धार होगा और इन पार्कों के रखरखाव के लिए पैसे की कमी भी आड़े नहीं आएगी। ये जानकारी नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने दी। अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि सोलन शहर के पार्कों को जल्द बेहतर बनाया जाएगा, जिसमें मोहन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और जवाहर पार्क शामिल हैं। इन पार्कों को एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजना के तहत लिया गया है। वे इन तीनों पार्कों को नए सिरे से बनाएंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब जैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक की योजना आरंभ होगी तो पार्कों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य आरंभ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलन शहर के तीनों बड़े पार्कों का कायाकल्प होगा और वे जिला में एक आकर्षण का केंद्र होंगे। यहाँ तक सोलन नगर परिषद के जो पार्क हैं, जो बड़े तीन पार्क है, मोहन पार्क है, जोहार पार्क है और चिल्ड्रन पार्क है, इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है और उन्होंने ही इसको रेनोवेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है और इसको सुंदर बनाना है। इसकी एक रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी है और कुछ ही समय बाद ये काम शुरू हो जाएंगे, जैसे ही इनके प्रोजेक्ट जो है सरकार से पास हो जाएंगे। पर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है और स्थानीय निकायों से, स्थानीय प्रशासन से इसकी एनओसी मिल चुका है और अब स्टेट के पास भी इनको एनओसी मिल गया है। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को चला गया है। जैसे ही वहाँ प्रोजेक्ट पास होगा तो इसका काम अप्रैल मई में शुरू कर दिया जाएगा। तो ये फाउंटेन है, ये काम नहीं कर रहा है, पिछले 25-30 साल से ये बेकार पड़ा हुआ है और इसने नगर परिषद ने निर्णय लिया है कि इसको वहां से निकाल दिया जाएगा, उसकी भरपाई कर दी जाएगी और वहां पर ग्रास लगा दिया जाएगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।